हम स्मार्ट ब्लॉकचेन पर स्टेकिंग 2.0 को पेश करते हैं। स्टेकिंग 2.0 की शुरुआत आपको अपनी क्षमताओं का विस्तार करने और स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ काम करने को और भी अधिक फायदेमंद बनाने की अनुमति देगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेकिंग क्या है, इसे स्मार्ट ब्लॉकचेन में कैसे लागू किया जाता है और आपको क्या प्रमुख फायदे प्राप्त होंगे। स्मार्ट ब्लॉकचेन पर स्टेकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यूजर नेटवर्क के संचालन को बनाए रखने और इसके लिए प्रमुख नेटवर्क रिसोर्सेज प्राप्त करने के लिए अपने स्मार्ट कॉइन को फ्रीज कर देते हैं। बैंडविड्थ और एनर्जी, उन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता होती है। स्टेकिंग का मैनेजमेंट स्मार्ट वॉलेट में होता है। सभी अल्टिमा प्रोडक्टों की तरह स्टेकिंग इंटरफेस यथासंभव आसान और सहज है। स्टेकिंग शुरू करने के लिए आपको बस कुछ कदम उठाने होंगे। निम्नलिखित में से चुनें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, बैंडविड्थ या एनर्जी, और फिर अपने स्मार्ट कॉइन को फ्रीज करें। आइए जानें कि हमारे ब्लॉकचेन में दोनों प्रकार के रिसोर्सेज का उपयोग क्यों किया जाता है। स्मार्ट ब्लॉकचेन में बैंडविड्थ एक ऐसा रिसोर्सेज है जो नेटवर्क पर सभी ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक है। बैंडविड्थ में ट्रांजैक्शन के लिए भुगतान करते समय आपको स्मार्ट में कोई कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट ब्लॉकचेन में प्रत्येक यूजर के पास प्रतिदिन बैंडविड्थ 1500 यूनिट है, जो यूजर्स को एक निश्चित संख्या में मुफ्त ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी थोड़ी सी बैंडविड्थ का उपयोग किया जाता है। जब मौजूदा बैंडविड्थ का उपयोग नए ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है तो स्मार्ट टोकन से नेटवर्क कमीशन के रूप में कमीशन लिया जाएगा। स्मार्ट ब्लॉकचेन में एनर्जी एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसका उपयोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ सभी कार्यों को करने के लिए किया जाता है, स्प्लिटिंग के साथ ट्रांजैक्शन, यल्टिमा टोकन आदि। एनर्जी एक तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के संचालन के लिए ईंधन की तरह काम करता है। यदि आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए स्मार्ट कॉइन में कमीशन का भुगतान करना होगा। ट्रांजैक्शन के आकार के आधार पर आपसे 10,000 स्मार्ट तक कमीशन लिया जा सकता है। स्टेकिंग के लिए रिसोर्सेज कैसे अर्जित किए जाते हैं? रिसोर्सेज बैंडविड्थ और एनर्जी का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब स्मार्ट स्टेकिंग पर हो। वहीं आप किसी भी समय कॉइन को अनफ्रीज कर सकते हैं। एक बार जब आप स्मार्ट को अनफ्रीज कर देते हैं तो आपका रिसोर्स शून्य पर रीसेट हो जाता है और आपको ट्रांजैक्शन के लिए स्मार्ट को भुगतान करना होगा। 2 हफ्ते तक अनफ्रीज होने के बाद स्टेकिंग पर लगे स्मार्ट कॉइन निकासी के लिए अनुपलब्ध रहते हैं। 2 हफ्ते के बाद उन्हें स्मार्ट वॉलेट से निकाला जा सकता है। वॉलेट में रिसोर्स की मात्रा नेटवर्क पर मापदंडों के आधार पर 24 घंटों के भीतर अपडेट की जाती है। कैलकुलेशन निम्न फॉर्मूले के अनुसार की जाती है। किसी रिसोर्स के लिए स्टेक पर लगाए गए आपके स्मार्ट कॉइन की संख्या को नेटवर्क में किसी दिए गए रिसोर्स के लिए स्टेक पर लगाए गए कॉइन की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है और दैनिक लिमिट से गुणा किया जाता है। एनर्जी रिसोर्स के लिए दैनिक लिमिट वर्तमान समय में 90 अरब एनर्जी यूनिट और बैंडविड्थ के लिए यह 43,200 करोड़ है। स्टेकिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूजर की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। स्टेकिंग आपको ब्लॉकचेन के जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देता है, इसे विकसित करने में मदद करता है और स्मार्ट ब्लॉकचेन को और भी अधिक सुरक्षित बनाता है। यूजर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टेकिंग आपको ट्रांजैक्शन पर हजारों स्मार्ट बचाने का मौका देती है, जो आपको अपने प्रॉफिट को अधिकतम करने और स्प्लिटिंग लागत को शून्य तक कम करने में मदद करेगी। यह एक अनूठा मौका है जिसका सभी यूजर्स को निश्चित रूप से फायदा उठाना चाहिए।